हे दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको हर एक गुरुवार को थर्सडे को आपको जो एक VI का APN सेटिंग्स देखने को मिलेगा, तो आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही कमाल का VI का APN सेटिंग्स का वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप अपने मोबाइल में इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हो और साथ ही आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही कमाल का VI का APN सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अगर फर्स्ट टाइम आकर के वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक थर्सडे को VI का APN सेटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज का कमाल का न्यू VI APN सेटिंग्स। तो इस वाले VI APN सेटिंग्स को करने के लिए मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सिम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना वोडाफोन आइडिया या तो आपके पास VI का सिम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके पास यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू APN का बटन मिलेगा, आपके फ़ोन में ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो चलिए न्यू APN के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो नेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले नेम आपको लिखना है, जिसका होगा यहाँ पे VI Cloud G5X। अब VI का दोनों होगा कैपिटल में, उसके बाद क्लाउड का C कैपिटल में होगा, उसके बाद G5X जो है वो कैपिटल में ही होगा। तो आपको VI Cloud G5X लिख के इसको सेव कर देना है नेम में। उसके बाद यहाँ पे आता है APN, तो APN पे क्लिक करना है और स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पे लिखना है VI Speed। उसके बाद यहाँ पे आपको @ लगाना है, @ लगाने के बाद में आपको कैपिटल में अब लिखना है MAX, ठीक है। VI Speed @ MAX आपको कैपिटल में लगाना है। उसके बाद इसको कर देना है सेव, जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद चलिए इसको ओके करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को छोड़ देना है, पोर्ट को भी छोड़ देना है। यूजर नेम पे आपको क्लिक करना है और इसका यूजर नेम आपको लगाना है स्मॉल लेटर में VIAPN@। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है X, ठीक है। VIAPN@X आपको लिख के इसको सेव कर देना है स्मॉल लेटर में, पूरा का पूरा होगा, ध्यान से सुन लीजिए। उसका चलिए ओके करते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है पासवर्ड, पासवर्ड को छोड़ना है, सर्वर पे आपको क्लिक करना है, सर्वर पे आपको स्मॉल लेटर में लिखना है www.vi.in, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है सर्वर में। तो चलिए इसको ओके के बटन पे क्लिक करके सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे MMSC को छोड़ देना है, MMS प्रोक्सी को छोड़ देना है, MMS पोर्ट को छोड़ देना है, MCC MNC को भी छोड़ देना है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है PAP PAP और JAP, फोर्थ नंबर पे आपको मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे APN टाइप मिलता है, तो APN आपको कुछ नहीं करना है, जैसे होगा आपके फोन में वैसे ही रहने देना है। APN प्रोटोकॉल पे क्लिक करके IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है, APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करके IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आएगा ऑप्शन बेरर, बेरर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अनस्पेसिफाइड देखने को मिलेगा, वो चेक होगा, इसको यहाँ से अनचेक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, उसके बाद स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक GPRS आपको इतना सिलेक्ट कर देना है एक साथ। उसके बाद आपको कर देना है इसको सेव। अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल बेरर सपोर्ट नहीं करता है तो सिंपल सेकेंड नंबर वाला LTE को सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। देन ये और यहाँ पे जो है सेव हो गया। सेव करने के लिए मोर के बटन पे क्लिक करके इसको पूरा पूरा सेव करने के लिए इस सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपके सामने VI Cloud G5X का APN जो आपने बनाया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करके टच करके इसको अप्लाई कर दीजिए। देन आपका इंटरनेट कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही देर में आपका बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर आपका फास्ट होता है वो भी नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपका फास्ट नहीं होता है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो होगा Episode 3 वो भी आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट थर्सडे को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।